बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक किसान का गांव के बाहर बबूल के पेड़ पर फांसी के फंदे से शव लटका मिला, जिसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर मृतक किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल घटना मीरगंज थाना क्षेत्र में बहरोली गांव की है, जहां के रहने वाले 45 वर्षीय राजेंद्र रोजाना की तरह बुधवार शाम को भी खेत पर जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन वह रात को वापस घर नहीं लौटे। वहीं इस दौरान खेतों में गेहूं की फसल की कटाई में जुटे ग्रामीण की नजर वहां से गुजरते वक्त बबूल के पेड़ के पास पड़ी, जहां पेड़ के नीचे शराब का पौवा, पानी की बोतल और पास में ही चप्पलें रखी हुई थी। वहीं ग्रामीण ने जब नजर उठाकर पेड़ पर ऊपर देखा तो गांव के ही किसान राजेंद्र का शव बबूल पर फांसी के फंदे पर लटका देख उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, जिसने घटना की जानकारी राजेंद्र के परिजनों को दी, जिससे मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। साथ ही यह खबर पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई, जिससे गांव के लोगों में दहशत फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने इस घटना को लेकर किसी से कोई रंजिश होने से इनकार किया है। साथ ही बताया कि मृतक राजेंद्र शराब नहीं पीते थे, लेकिन उनके शव के पास से शराब और पानी की बोतल बरामद हुई है, जिससे इस घटना को संदिग्ध माना जा रहा है। पता नहीं क्या कारण हुआ, इनमें तो वो शाम कल के घर से गए, जाते ही हैं रोज, फिर इनमें भी उठा कर खेत पर गए 5 बजे या 6 बजे के बीच लगभग घर से। तब इनमें भी वो जाकर वहाँ दारू भी पिए, उनसे दारू पीते नहीं थे, लेकिन दारू भी पिए वहाँ, क्योंकि पौवा में थोड़ी शराब मिली है, पानी की बोतल मिली है, इनकी चप्पल पेड़ से मिली बबूल के, हाँ ऊपर रस्सी बंधी हुई बबूल के पेड़ में, एक डुब्बे में वहीं पर एक फूट है, उस फूट पर क्या कहते हैं, हो सकता है इनने खड़े होकर वहीं पर भी फंदा डालकर सब लगे। क्या किसी से कोई रंजिश वगैरह? रंजिश किसी से कोई नहीं बता रहा है, घर वाले भी नहीं बता रहे हैं। घर में भी किसी को बात नहीं निकले थे घर से? ये थी वो करीब 5-6 बजे के बीच घर से गए। किसने बताया? किसने दी? वहाँ मशीनें चल रही हैं, गेहूँ की कटाई चल रही है, लोग निकल बैठ रहे हैं, तब घर फोन किया।